जब भगवान कृष्ण द्वारिका को वापस जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती से कहा, मांगो बुआ, क्या मांगती हो? तो आपको पता है माता कुंती ने क्या मांगा? माता कुंती ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, विपदः शन्तु नः शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम, कि यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे दामन को दुखों से भर दो, मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट जाए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बुआ, ये क्या मांग रही हो? मनुष्य का जीवन तो सदा सर्वदा सुख की मांग करते करते ही बीत जाता है, और तुम दुख मांग रही हो। तब माँ कुंती ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरे हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए, कि हे कृष्ण, जब मेरे जीवन में दुख थे, विपत्तियाँ थी, तब पग पग पर तुम मेरे साथ खड़े थे, और अब सुख आते ही तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, ऐसे सुख का मैं क्या करूँगी? कहने का अर्थ है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम सदैव भगवान को याद करते हैं। वो कहावत है कि दुखों से चोट खाई न होती तो हरी तेरी याद आई न होती। बस वही बात है कि जब दुख आता है तब हम भगवान को याद करते हैं, और सुख आते ही सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भक्ति हो तो माता कुंती जैसी। जय श्री कृष्ण।